हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के जो हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमारा 12वां भाग है। इसके पहले हम 11 भाग कर चुके हैं। हमने इसमें जो 2018 का इतिहास वाला पोर्शन पूरा कर लिया है और भूगोल के कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो जो हम अभी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं तो आप पूरा प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी मेंस 2018 सॉल्ड पेपर के नाम से वो आपको मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के साथ मेंस के लिए मैं डेली 2 से 3 वीडियो लेके आती हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग आंसर्स आपके लिए लेके आती हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसकी डिटेल जो है पेपर वाइज दी हुई है, जो पेपर वाइज डिटेल दी हुई है। जैसे कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इतिहास का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, भूगोल का अलग मिल जाएगा, पेपर वाइज मिल जाएगा, तो जहाँ पे आप उसकी पूरी वीडियोस देख सकते हैं और आप मेरे नोट्स का रिव्यू भी देख सकते हैं। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये मेरे नोट्स में से ही है, नोट्स में से ये सभी चीज़ ये आपको दी जाती है, नोट्स में से ही पेज निकाल के मैं ये वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। तो आप नोट्स की जो डिटेल है, अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं हैंड रिटन विथ फ्रेमिंग आंसर फ्लो चार्ट और मैप वाले, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है, ग्राम से नगरों की ओर प्रवास के कारण क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रवासन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो साधारण बोलचाल की भाषा में एक स्थान से में अस्थायी रूप से बस जाना ही प्रवासन कहलाता है। क्या साधारण बोलचाल की भाषा में एक स्थान में अस्थायी रूप से बस जाना प्रवासन कहलाता है। जैसे कि आप किसी जॉब के सिलसिले में नौकरी की तलाश में किसी जगह पे गए हैं और उस जगह पे आप अस्थायी रूप से बस गए हैं तो वो प्रवासन कहलाएगा। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार देशांतरण विनिवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक सीमा से अन्य भौगोलिक सीमा में विचरण का ही एक स्वरूप है। साधारण बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है कि यूएनओ के अनुसार देशांतरण निवास स्थान को पर एक भौगोलिक सीमा से दूसरी भौगोलिक सीमा में जाना क्या कहलाता है, प्रवासन कहलाता है। आंतरिक प्रवासन क्या होता है, आंतरिक प्रवासन क्या होता है, जब देश के निवासी बिना स्वदेश की सीमाएं पार किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि हमारे भारत में ही एक राज्य से अगर हम दूसरे राज्य पर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आंतरिक प्रवासन कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवासन कहलाता है। अब प्रवासन के कारण क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एक देश से दूसरे देश पे जाता है, तो क्या कारण होता है। तो पहला कारण होता है रोजगार। व्यक्ति रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है क्योंकि उसे जहाँ पे वह रहता है उसको वहाँ पे उसके मन चाहा रोजगार नहीं मिल पाता है और जितना चाहता है वो उसको नहीं मिल पाता है, तो वो दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाता है। दूसरा है शिक्षा। मोस्टली देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोग जाते हैं तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है, तो यही एक कारण है कि बेहतर शिक्षा के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। प्राकृतिक असंतुलन, कई बार देखा गया है कि व्यक्ति एक जगह पर जहाँ पर रहता है वहाँ प्राकृतिक भूचाल वगैरह आते रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं जिससे व्यक्ति स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाता और वह दूसरी जगहों पर चला जाता है। बड़े कारखाने, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं जहाँ व्यक्ति को रोजगार मिलता है, उसे अच्छा पैसा भी दिया जाता है, तो जिस कारण से वह बड़े कारखाने जहाँ पे होते हैं वहाँ पलायन कर जाता है। दूसरा है बेहतर चिकित्सा। छोटे छोटे गांव या छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बेहतर चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है, ना ही कोई बड़ी बीमारी का इलाज हो पाता है और छोटी बीमारियों को भी उचित ढंग से प्रबंध नहीं होता है, तो इस बेहतर चिकित्सा के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट है भेदभाव। अगर कोई कोई ऐसी जाति का है जिसको उसके गांव में बुरी नज़र से देखा जाता है तो उस गांव में वो भेदभाव का शिकार होता है, वहीं अगर वो दूसरी जगह पे जाता है तो जिस जहाँ पे बड़े शहरों में जात पात की भावना कम रहती है कंपैरिजन टू ग्रामीण क्षेत्र, तो इस भेदभाव के चलते भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है।
अब गांव से शहर देशांतरण जो होता है, गांव से शहर देशांतरण किस प्रकार से होता है, तो गांव से शहरों की ओर होता है। मतलब या तो व्यक्ति गांव से गांव की पे जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव चला जाता है, उस गांव में उसे पर्याप्त भूमि नहीं मिलती, खेती नहीं कर पाता। शहरों से गांव की ओर भी लोग जाते हैं, जो शहरी जैसी समस्याओं से तनावग्रस्त ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं, तो लोग गांव की तरफ भी जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की ओर भी जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रवासन होता है। 6 नंबर में हमको लिखना है, तो हमको पहले लिखना है प्रवासन क्या होता है, फिर हमने लिखना है आंतरिक प्रवासन क्या होता है, फिर उनके कारण, और फिर गाँव और शहर में देशांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य, ये 2018 के ही में आए हुए प्रश्न हैं फ्रेंड, और ये देखा गया है कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर कर लेते हैं तो हमारा 70-75% जो कोर्स कवर हो जाता है। मेरे नोट्स में मैंने इनको कवर किया हुआ है, साथ में मेरे जो पेड ग्रुप है उनमें भी मैं यहाँ से जो 2018 के या 2017 के जो अलग से प्रश्न हैं वो भी वहाँ पर डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नो पेड ग्रुप के साथ आपको 21 रजिस्टर बनाने हैं, जो मैं आपको दूंगी पेड ग्रुप में वो आपको उन रजिस्टर पे लिखना है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे। मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की समस्या का वर्णन कीजिए। तो जल संसाधन पानी के वे स्रोत होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु, सभी मानवीय उपयोगों में, ज़्यादातर में ये सभी पानी के उपयोगों में शामिल हैं, जो भी पानी का हम उपयोग करते हैं, और ये जितने भी सभी मानवीय उपयोग होते हैं सभी में काय की आवश्यकता होती है, ताजे जल की आवश्यकता होती है। अब समस्याएं क्या क्या हैं जल संसाधन की। सबसे पहली है अपर्याप्त वर्षा। भारत में जो वर्षा होती है बहुत अपर्याप्त है, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतनी वर्षा नहीं होती। कारण क्या है, वैश्विक जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण भी गर्मी फैल रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जिसके चलते बारिश कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। जल संसाधनों में जल भराव जो है निरंतर कम हो रहा है, जिसके कारण जितने भी जल संसाधन हैं उनमें जो भराव है वो लगातार कम हो रहा है। दूसरा है अतिदोहन। घरेलू कृषि औद्योगिक आवश्यकता के लिए अतिदोहन हो रहा है, बट जैसे जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, कृषि की आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इनका दोहन हो रहा है, जिससे जल कम हो रहा है। समय से पहले नदियों और तालाब सूख रही हैं, पानी नहीं गिर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जिसके कारण जितना भी पानी है वो भी क्या हो रहा है, सूख जा रहा है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, तीव्र औद्योगिकीकरण हो रहा है, उद्योगों से जो कचरा निकलता है वो जल में बहा दिया जाता है, जिससे जो भी जल है वो भी प्रदूषित हो जाता है। घर और उद्योगों से निकले अपशिष्टों से भी जल प्रदूषित हो जाता है, जैसे नदी नाले सब प्रदूषित हो रहे हैं। अब निष्कर्षता, समय रहते हमें अमूल्य जल संसाधन को संजोए रखना आवश्यक है। निष्कर्षता, समय रहते अमूल्य जल संसाधन को संजोए रखना आवश्यक है। इस प्रकार से हम जल संसाधन की समस्या, पहले क्या होते हैं जल संसाधन वो लिख लिया, फिर उसकी समस्याएं क्या है हमने वो लिख लिया, कैसे उनसे मुक्ति पा सकते हैं, इनको लिए जरूर से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, जल का जो उपयोग है वो बहुत सोच समझ कर किया जाए, उसको पुनर्उपयोग में लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं, आप बहुत से लोग मेरे को व्हाट्सअप करके बोलते हैं कि वीडियो आपके नोट्स का डेमो दे दीजिए हम तब लेंगे, तो जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो मेरे नोट्स में से ही पेज होते हैं, आप इनको देख सकते हैं, यही मेरे इसी प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। प्रिंटेड नोट्स नहीं हैं, सभी नोट्स हैंड रिटन हैं, फ्लो चार्ट और डाइग्राम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जन घनत्व की स्थिति की विवेचना करो। मध्य प्रदेश में जनघनत्व होता है इकाई क्षेत्रफल पे कितने लोग रहते हैं, तो चलिए देखते हैं जनगणना का। तो जनगणना मध्य प्रदेश जो भूगोल का है हमारे, उसमें जनगणना से संबंधित प्रश्न बहुत सारे आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए आना ही है, 15 नंबर में 6 नंबर में। मेरे जो नोट्स हैं मध्य प्रदेश भूगोल के, उसमें ये सभी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 6वां राज्य है, यहाँ देश की 6% जनसंख्या रहती है। जनसंख्या में हम 6वें नंबर पे हैं, जबकि अगर हम क्षेत्रफल वाइज देखे जाए तो क्षेत्रफल में भारत, जो मध्य प्रदेश का स्थान भारत में 2रे नंबर पर है। जो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 6वां राज्य है, यहाँ देश की 6% जनसंख्या रहती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस प्रदेश का जनघनत्व कहते हैं।
अब हम इस पूरे जनघनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व की दृष्टि से प्रदेश का देश में 23वां स्थान है। जनघनत्व में प्रदेश का कौन सा स्थान है? 23वां है। 2001 में जनघनत्व कितना था? तो 2001 में जनघनत्व था 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में कितना जनघनत्व था? 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 2011 में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले अगर हम देखें तो भोपाल 855 सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, देन इंदौर है 839, देन जबलपुर है 472। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे है? सबसे कम जनघनत्व है डिंडोरी में 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद है एक श्योपुर में 104। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश का जनघनत्व के पहले क्या होता है जनघनत्व वो लिखा, फिर पूरे जनघनत्व की हमने विशेषताएँ लिखी, लास्ट में हमने निष्कर्ष लिख दिया। देखिए मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में ये पॉइंट वाइज लिखा है। इस तरीके से हम पॉइंट बना के लिख देते हैं तो हमारा कॉपी का जो पेज है वो भी सुंदर लगता है, साथ ही साथ आंसर भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और हम जब याद करते हैं तो हमें पढ़ने में भी आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम ये नीचे निष्कर्ष भी लिख देंगे। निष्कर्ष था, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का जन्म घनत्व 2001 से 2011 में बढ़ा है, लेकिन अब इसमें स्थिरता की आवश्यकता है। ये प्री के लिए भी फैक्ट है कि जनघनत्व कितना बढ़ा है, 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? भोपाल का है, है ना। सबसे कम किसका है? डिंडोरी का है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन दो। सीमेंट उद्योग के बारे में हमको लिखना है, तो सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे सीमेंट उद्योग के लिए यह राज्य अनुकूल दशाएँ रखता है। 2004-05 में सीमेंट का उत्पादन कितना था? 8706,000 मेट्रिक टन था, जो 2009-10 में बढ़कर 2103,000 मेट्रिक टन हो गया था। 21,003 मेट्रिक टन हो गया था, पहले था 8706 और 2009-10 में 21,003 मेट्रिक टन, 1,000 मीट्रिक टन हो गया था। यहाँ पर सीमेंट के कई कारखाने हैं, जैसे कि पहला देखिए वानमोर फैक्ट्री। वानमोर फैक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ACC दोस्त का स्वामित्व है। 1922 में ये गठित हुई थी मुरैना के वानमोर में। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का यहाँ उत्पादन होता है, लगभग 60,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, लेकिन अब ये फैक्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। नेक्स्ट है कैमूर फैक्ट्री। कैमूर फैक्ट्री भी ACC के स्वामित्व में है, 1923 में ये बनी थी कटनी के पास कैमूर में। ये 8,00,000 मीट्रिक टन यहाँ पे उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सतना सीमेंट वर्क्स। तो यह बिरला कंपनी द्वारा 1959 में स्थापित है, इसकी उत्पादन क्षमता 6,00,000 मीट्रिक टन है। फिर है मैयर फैक्ट्री। मैयर फैक्ट्री की स्थापना 1980-81 में हुई, मैयर में है, और 75,000 मीट्रिक टन यहाँ पर सीमेंट क्षमता है। नेक्स्ट है नीमच फैक्ट्री। 1980-81 में नीमच फैक्ट्री की स्थापना हुई, 4,00,000 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है, और यहाँ पे लगभग 900 श्रमिक काम करते हैं। अब हम निष्कर्ष लिख देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मालनपुर सीमेंट वर्क्स, जीरावाद सीमेंट वर्क्स, धार 1950 आदि फैक्ट्रियाँ भी कार्यरत हैं, जो ये बताती हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन हो रहा है और वह सीमेंट स्थानीयकरण की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार हम यहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के क्वेश्चन जो हमने आज पढ़े। अब हमारा 6 मार्कर के पूरे क्वेश्चन भूगोल के कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके 4, 5, 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो जैसे तो 3 क्वेश्चन आते हैं लेकिन अथवा में भी है, तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वो मैं कल आपको वीडियो बना के हम ये भूगोल का कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा सेकेंड पेपर हम स्टार्ट कर देंगे। मैं जल्दी से जल्दी इसकी कोशिश करती हूँ आपको कवर करवाने की। 8 से 10 दिन में ये आपका सॉल्व पेपर भी अपडेट हो जाएगा और आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी बुकिंग हम 2 से 3 दिन बाद चालू कर देंगे।
सो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी की पैकेज जो है वो 8500 रुपये का है और सॉफ्ट कॉपी का 5200 रुपये। अगर आप सॉल्ड पेपर लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये उसकी प्राइस है, विथ डिस्टेंस के हिसाब से आपका कुरियर चार्ज लग जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।